जी बोलिए, फिर प्रश्न करिए। मेरा एक प्रश्न है कि जैसे कि सभी देवी देव जितने भी देव हैं, जैसे शिव जी हुए, विष्णु जी हुए, राम जी हुए, उनके साथ उनकी पत्नियों के साथ में पूजन होते हैं दोनों की, सिर्फ राधा रानी के साथ, कृष्ण भगवान के साथ सिर्फ राधा रानी ही क्यों? रुक्मणी जी उनकी पत्नी है, धर्म पत्नी है, तो फिर उनका पूजा दोनों का साथ में क्यों नहीं होता? क्यों, राधा जी पत्नी नहीं है? राधा जी पत्नी है, लेकिन जैसे कि मतलब माने तो राधा जी प्रेमिका के रूप में मानी जाती हैं। नहीं, मानी नहीं जाती, पत्नी है, विवाह हुआ है, लिखा है शास्त्रों में, गर्ग संहिता में। अच्छा हाँ। और रुक्मणी जी का तो कहीं वर्णन ही नहीं, इतने हम मंदिर घूम के आए हैं, कहीं रुक्मणी जी की मूर्ति नहीं देखी है। पंडरपुर में जाना, विट्ठल नाथ जी के बगल में रुक्मणी जी खड़ी है। अच्छा, और एक सवाल कि जैसे हम घर में छोटे से शिवलिंग को रखते हैं, है ना, किसी कारणवश ऐसा होता है कि हम घर से बाहर रहते हैं, जैसे मेरी बच्ची 1 महीने से बीमार है और मैं घर से बाहर हूँ किसी इसके इलाज के लिए, तो जैसे शिवलिंग हम घर पे रखते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि रोज उनका अभिषेक होना चाहिए, और जैसे हमारी मजबूरी है कि हम अपने घर नहीं रह रहे अभी, तो 1 महीने से हमारा घर बंद है, तो वो जो महादेव वहाँ पे हमारे घर पे पूजा नहीं हो रही, इसका तो कोई दोष? कोई बात नहीं, आप मानसिक रूप से उनका रोज स्मरण कर लें, रोज भाव से उनको मन से ही स्मरण करके जल इत्यादि चढ़ा के सेवा कर लें, आप नहीं है कोई बात नहीं, मानसिक पूजा कर सकते हैं। मानसिक पूजा, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, प्रणाम। खुश रहिए, खुश रहिए। यहाँ ले जाना बेटा, इस तरफ, ये भैया खड़े हैं, बैठ जाइए, सब लोग सब बैठ जाइए, बैठ जाइए, खड़े ना रहिए। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी आपके दर्शन हो गए, हम धन्य हो गए महाराज जी। महाराज जी हम बहुत दूर से आए थे, हमें आपके दर्शन की इच्छा थी, हमें लगा पता नहीं आपके दर्शन होंगे नहीं होंगे, भीड़ होगी कैसे होगा, पर अभी हम इधर से निकल रहे थे, हमने एक भाग्य भाई से कि कहा महाराज जी के एक बार दर्शन हो जाए, जब से हम आपकी भागवत देखने लगे महाराज जी, हमारा जीवन बदल गया महाराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी आपका। क्या बदलाव हुआ है जीवन में? हमारा जीवन ही बदलाव हो गया, पहले परेशान रहते थे, छोटी छोटी बातों में झगड़े होते थे महाराज जी, जब से आपके देखने लगे हैं एकदम पूरा जीवन ही बदल गया हमारा, जो भी चीज़ मतलब कुछ भी मन में इच्छा होती थी, जो जायज इच्छा होती थी वो सभी पूरी होने लगी महाराज जी। अच्छा महाराज जी, बस एक छोटी सी मेरा छोटा सा एक विनती है, मेरे को कई बार गुस्सा बहुत आ जाता है महाराज जी, उसका महाराज जी कोई उपाय बताओ। जब गुस्सा आए तो आपको ही अपने गुस्से पर कंट्रोल करना होगा, आप ही हैं जो गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए जब गुस्सा आए तो शांत रहो, चुप रहो, थोड़ी देर के लिए अपने आप को शांत करने की कोशिश करो। देखो जो ड्राइवर समय से ब्रेक लगाए और एक्सीडेंट से बचा ले गाड़ी को, वो तो ड्राइवर ठीक है, और जो कर दे एक्सीडेंट वो ड्राइवर ठीक नहीं है। तो व्यक्ति वही अच्छा है जो अपने आप को क्रोध से बचाए, लोभ से बचाए। हमें अपनी रक्षा करनी है, किससे? क्रोध से, लोभ से, अभिमान से, विषयों से। इनसे हम रक्षा ना कर पाए तो हमारा कोई अर्थ ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं है, इसलिए हमें इनकी अपने आप की रक्षा इन बुराइयों से करनी चाहिए, और ये आप ही कर सकते हैं, आपके विवेक के बल पर, आपके सत्संग के बल पर हो सकता है। ठीक है, धन्यवाद महाराज जी, खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। मेरी तमन्ना थी बाकी बिहारी जी के दर्शन के साथ साथ आपकी भी बहुत इच्छा थी मेरी दर्शनों की, मेरी तो न तमन्ना ही पूरी हुई, मैं बहुत धन हुई गुरु जी। राधे राधे जी, खुश रहिए, खुश रहिए गुरु जी। राधे राधे। बस मैं तुम्हारे चरणों में अपना शीश झुकाता था। खुश रहिए, खुश रहिए गुरु जी। राधे राधे जी। गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम, खुश रहिए गुरुजी। मैं एक साथ भैया, कोई सवाल तो नहीं था आपका, कोई प्रश्न तो नहीं था? कोई प्रश्न करना है, ये मेरी मैया है। अच्छा, 1 साल से ये भी जुड़ी है और मैं भी जुड़ी, मेरी बहन भी जुड़ी है, और हमको बहुत अच्छे लगते हो आप, आपके भागवत और सुन के बहुत ज्ञान मिला। खुश रहिए, कथा ज्ञान ही बढ़ाती है, भक्ति ज्ञान और वैराग्य। गुरुजी मेरे परिवार के लिए राधे राधे बोल दो। राधे राधे। खुश रहिए जी। मैं खाना जी ले गई हूँ यहाँ से, लड्डू गोपाल ले गई हूँ, तो मेरे घर में सब मीट मांस खाते हैं, मैं उनकी सेवा कैसे करूँ, कैसे उनको वो खिलाऊँ? आप करिए और धीरे धीरे उनको भी करवाइए, ताकि वो भी गलत रास्ता छोड़ें और सही रास्ते पर आए। गुरुजी वो मानते ही नहीं मेरी, कोई कोई भी बात नहीं मानते, तो आप अपना करते रहो।
मतलब उनको मैं खाना कैसे खिलाऊं? कैसे खिलाऊं मतलब? मतलब घर में सब बनता है ना, सब मीट मांस। तो भगवान जी का भोग कैसे लगाएं, ये पूछ रहे हैं। हाँ। तो आप भगवान जी, आप भी खाती हो? नहीं मैं नहीं खाती हूँ। तो फिर आप अपने लिए तो बनाती होंगी? मैं साथी बनाती हूँ इकट्ठे, मतलब मैं मीट नहीं खाती हूँ, खाना साथी बनाती हूँ ऐसे। अच्छा ये बताओ, ये मांस वांस खाने वाले जो हैं, आप लोग अपने घर में जब मांस बनाते हैं तो मांस की दुर्गंध नहीं आती होगी? आती है, है? आती है गुरुजी। तो ये मांस की दुर्गंध नाले जैसी होती होगी, क्यों? हाँ। तो ये बताओ कितना राक्षस ना है ये, दुर्गंध जहाँ आ रही हो उसे खा कैसे सकता है आदमी, मेरे को ये समझ में नहीं आता। मांस खाने के लिए आपका ये जो हृदय है, दिल है, वो कैसे आपको तैयार करता होगा, मुझे आश्चर्य। अभी तक मैं इस प्रश्न का उत्तर मुझे ही नहीं मिला कि ये हम बाजार से निकलते हैं मांस वाली, कितनी दुर्गंध आती है, और आप जहाँ रसोई में बनाते होंगे वो भगवान कितनी दुर्गंध होती होगी, उसे आप खाते हैं, बताइए तो कितना आश्चर्य। गुरु जी मैं क्या करूँ अब, मैं सेवा करना चाहती हूँ। अरे उन राक्षसों को समझाओ। वो समझते ही नहीं है कोई। नहीं समझते फिर अपना आप अपना बना लिया करो, अलग रखो अपना भोजन पानी की व्यवस्था, ठाकुर जी को वो शुद्ध बुद्ध लगाया करो, शुद्ध भोजन ठाकुर जी का बढ़िया, बिना मांस इत्यादि तो गलत बात है, मांस थोड़ी भोग लगेगा। गुरु जी मैं अब उनको आजकल मैं उनको ड्राई फ्रूट और फ्रूट खिलाती हूँ बस। हाँ ठीक है, पर आप भी अपने को वहाँ से हटाओ, उस वातावरण से, है ना। ठीक है भोग लगाते हैं, दूध का लगा दो, दही का लगा दो, फ्रूट का लगा दो, फल का लगा दो, बादाम काजू पिस्ता, जो भी आपकी उपलब्धि, मतलब जो भी उपलब्ध हो समय। हाँ। वो ठीक है, सात्विक ठीक है। ठीक है गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी आप दिल्ली गए थे ना, तो आपके दर्शन के लिए गए थे, बहुत भीड़ थी वहाँ पे, हमें दर्शन नहीं हुए थे आपके, तो कल हम वृंदावन यहाँ पे आए थे तो आज आपके दर्शन हुए, बहुत मन खुश हो गया। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी गुरुजी प्रणाम, श्रीमन नारायण, मैं अजय अवस्थी कानपुर से हूँ। गुरुजी मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं बालाजी हर साल जाता हूँ और यहाँ भी आता हूँ, तो मैं गुरु बालाजी को बनाऊँ कि कृष्ण बंदे जगत गुरु कि कृष्ण भगवान को बनाऊँ, और जय हनुमान ज्ञान गुण सागर और उनको भी गुरु का मतलब हनुमान। सब एक ही है बेटा, ये सब ना सोचो। जी, जी सब गुरु हैं। जी जी हनुमान जी अपनी जगह गुरु हैं। जी जी भगवान कृष्ण अपनी जगह। जी जी शंकर जी अपनी जगह। गुरु जी हमारे आपसे भागवत सुनने से ये हमें लाभ मिला, मैं पहले कमाता नहीं था, लेकिन आप मोटिवेशन देते हैं कि बगैर करे कुछ खाना नहीं चाहिए, हमें इससे बहुत बड़ा लाभ हुआ। मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, आपकी बातों से बहुत बड़ा लाभ हुआ, मैं बगैर कमाए अब खाता नहीं हूँ, नहीं तो पहले मैं पिताजी की कमाई से ऐश किया करता था। अब हम जब से आपका यूट्यूब में और सोशल मीडिया में मैं जरूर देखता हूँ, और यहाँ भी हर 6 साल से आ रहा हूँ तो आपको मैं फॉलो करता हूँ, ये मुझे बहुत बड़ी प्लस पॉइंट की बात होगी, बगैर करे कुछ खाना नहीं है, 100 रुपया का मतलब रोज कमाना है, तो हमें आपकी ये बात, नहीं तो मैं पढ़ा रहता था कमाता नहीं था, हमें ये बात से बहुत बड़ा आपको मोटिवेशन, में आपको कोटि कोटि प्रणाम, आप आपके आपकी वजह से हम कमा खा रहे हैं। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरु जी श्रीमन नारायण। हिमांशु जी बैठ जाइए, सब लोग सब बैठ जाइए, बैठ जाइए, खड़े ना रहिए। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी आपके दर्शन हो गए, हम धन हो गए महाराज जी। महाराज जी हम बहुत दूर से आए थे, हमें आपके दर्शन की इच्छा थी, हमें लगा पता नहीं आपके दर्शन होंगे नहीं होंगे, भीड़ होगी कैसे होगा, पर अभी हम इधर से निकल रहे थे, हमने एक बांके भाई से कि कहा महाराज जी के एक बार दर्शन हो जाए, जब से हम आपकी भागवत देखने लगे महाराज जी हमारा जीवन बदल गया महाराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी आपका। क्या बदलाव हुआ है जीवन में? हमारा जीवन ही बदलाव हो गया, पहले परेशान रहते थे, छोटी छोटी बातों पे झगड़े होते थे महाराज जी, जब से आपके देखने लगे हैं एकदम पूरा जीवन ही बदल गया हमारा, जो भी चीज़ मतलब कुछ भी मन में इच्छा होती थी, जो जायज इच्छा होती थी वो सभी पूरी होने लगी महाराज जी। अच्छा महाराज जी बस एक छोटी सी मेरा छोटा सा एक विनती है, मेरे को कई बार गुस्सा बहुत आ जाता है महाराज जी, उसका महाराज जी कोई उपाय बताओ। जब गुस्सा आए तो आपको ही अपने गुस्से पर कंट्रोल करना होगा, आप ही हैं जो गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए जब गुस्सा आए तो शांत रहो, चुप रहो, थोड़ी देर के लिए अपने आप को शांत करने की कोशिश करो। देखो जो ड्राइवर समय से ब्रेक लगाए और एक्सीडेंट से बचा ले गाड़ी को वो तो ड्राइवर ठीक है, और जो कर दे एक्सीडेंट वो ड्राइवर ठीक नहीं है,
तो व्यक्ति वही अच्छा है जो अपने आप को क्रोध से बचाए, लोभ से बचाए। हमें अपनी रक्षा करनी है, किस से? क्रोध से, लोभ से, अभिमान से, विषयों से। इनसे हम रक्षा ना कर पाए तो हमारा कोई अर्थ ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए हमें इनकी, अपने आप की रक्षा इन बुराइयों से करनी चाहिए, और ये आप ही कर सकते हैं। आपके विवेक के बल पर, आपके सत्संग के बल पर हो सकता है। ठीक है, धन्यवाद महाराज जी, खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। मेरी तमन्ना थी बाकी बिहारी जी के दर्शन के साथ साथ आपकी भी बहुत इच्छा थी मेरी दर्शनों की। मेरी तो न तमन्ना ही पूरी, मैं बहुत धन हुई गुरु जी। राधे राधे जी, खुश रहिए, खुश। Peace.